आखिर कहाँ जाती है आत्मा मरने के बाद, एक व्यक्ति के मरने के बाद क्या क्या होता है, जानिए कैसे भगवान तय करते हैं कि किसको नर्क और किसको स्वर्ग में जाना चाहिए। ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए तो शुरू करते हैं। यद्यपि इस संत से हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में पदार्पित होना असंभव है, इसलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। किससे कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली इतना या फिर विशेष सुविधा के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहां जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर भी यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। शरीर त्यागने के बाद कहां जाती है आत्मा? गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पूर्ण आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी है तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलती है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर से उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर से यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। अब आपको ये तय करना होगा कि आप कौन से मार्ग में जाओगे। बुरा कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे, और अच्छा कर्म करोगे तो आज नहीं तो कल अच्छा ही पाओगे।